हेलो गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एग्जामपुर गुड इवनिंग एवरीबडी एवरीबॉडी आज आप सभी लोगों ने को पता होगा आप लोगों को यूपी में एक आरओ ए आर ओ का एग्जाम हुआ है और जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी जिसको हिंदी में हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं तो उसका पेपर आप सभी लोगों तक पहुंच गया होगा अभी तक और हम लोग आज उस पेपर का एनालिसिस यानी उसका जो सही आंसर होता है वो आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे आप साथ में को उस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं और उसका सही आंसर क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व देखेंगे यहाँ पर हमारे साथ हैं अपू सर आप, आप आ, सर को जानते होंगे पहले से भी ठीक है अपू सर जो है साइंस और एथिक्स uh, और भी जितना भी पोर्शन है वो जो टेक्निकल पोर्शन है वो सर आपको सॉल्व करके बताएंगे क्या उसका आंसर होगा ओके okay, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये हमारा ये बी सीरीज़ का क्वेश्चन है यानी ये जो क्वेश्चन है वो क्या है बी सीरीज का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो फोक सॉन्ग है उससे रिलेटेड है और वो जो यूपी स्पेशल और इस बार का जो पेपर है जितने लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे इस पेपर से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि अब यूपी में यूपी स्पेशल की इंपॉर्टेंस बढ़ाई जा रही है वो सारे पोर्शन बढ़ाए जा रहे हैं जिससे यूपी की इम्पोर्टेंस लोगों को पता चले और यूपी स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बढ़ रहे हैं जैसे यही पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ फोक सॉन्ग्स हैं उन फोक सॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है जैसे एक साइड में फोक सॉन्ग है दूसरे साइड में उनका ओकेजन है कब वो गाए जाते हैं जैसे पहला है चैती सॉन्ग चैती कजरी रसिया और सोहर ठीक है ये चार सॉन्ग्स दिए गए हैं और इनका ओकेजन बोला गया है कि ये कहाँ कहाँ पर गाए जाते हैं तो आप इनमें से देखो कि एक सॉन्ग और एक आपने अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो या नॉर्थ इंडिया से तो एक आपने सुना होगा सोहर ठीक है सोहर आपने देखा होगा कि जनरली जो बर्थ होता है जब बच्चे का तो उस टाइम पे गाया जाता है और ये ओकेजनली भी गाया जाता है यानी बर्थ के टाइम पीरियड में भी गाया जाता है और ओकेजनली भी गाया जाता है ठीक तो और ये जो चैती सॉन्ग है ये सीजनल सॉन्ग होता है इसका मैचिंग जो होगा वो फोर से कजरी जो है ये हमारा अगर देखा जाए तो ये विवाह और सीजनल टाइम पीरियड में गाया जाता है रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है यानी रशिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है ये संस्कार गीत है संस्कार गीत मतलब बर्थ के टाइम पीरियड में गाया जाता है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ए अब हम लोग देखते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है

पानी ये भी करेक्टली मैच है महाराष्ट्र ये, ये भी मैस्ट है गुजरात नारायणी नारायणी जो है वो गुजरात में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है तो ऐसे कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्टली मैच तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन डी यानी क्वेश्चन नंबर थ्री का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर च ऑन ऑफ द फॉलोइंगज नॉट करेक्टली मैस्ड यानी इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है कंपनीज एक्ट टू 2013 ये आपने देखा होगा कि कंपनीज एक्ट हमारा जो है 1956 का पुराना कंपनीज एक्ट था और अभी रिसेंटली हम लोग देखें तो नया जो कंपनी एक्ट है वो 2013 में आया हुआ था तो ये हमारा सही है यानी पहला जो मैच है वो सही है दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन ये आपको ध्यान रखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन नहीं टू का है ना कि 1870 का तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर फिर उसके बाद में वट वॉज द टोटल परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन द मिलिट्री फोर्स इन द ब्रिटिश इंडिया ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी तक कोई करेक्ट डेटाबेस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोई करेक्ट डेटाबेस अभी तक हमारे पास में नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप आयोग के लिए छोड़ सकते हैं हम लोग कि कमीशन जो भी आंसर देगा उसको हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन आप स्टार इस्ट्राम कर लो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी होगी तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या देगा कमीशन इसका आंसर क्या देगा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ये एक, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि आ, जो काकोरी कॉन्स्परेसी केस था 1925 का उसमें में जो मेन एक्यूज थे मिस्टर रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल इनको कहाँ पे फांसी दी गई थी किस पर्टिकुलर प्लेस पे कहाँ पे फांसी दी गई थी अगर आप देखो तो उल्ला को फांसी अलग दी गई थी रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल को अलग जगह पे दी गई थी तो डिफरेंट डिफरेंट राजेंद्र लहड़ी को अलग डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था ठीक है तो अशफाक उल्ला कहाँ को फैजाबाद में यानी अयोध्या में राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में और ये जो रामप्रसाद बिस्मिल है इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिक्स का बी ऑप्शन यानी गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ईस्ट उत्तर प्रदेश फर्स्ट केबल कार सर्विस हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट तो अभी आपने इन लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि अमित शाह ने विंध्याचल से वाराणसी तक यानी कहा से विंध्याचल से वाराणसी तक जो आ, उत्तर प्रदेश फर्स्ट केबल कार सर्विस स्टार्ट किया था तो विंध्याचल में यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मिर्जापुर यानी मिर्जापुर से वाराणसी तक ये स्टार्ट किया गया था तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा मिर्जापुर क्वेश्चन नंबर एट तुलसी प्लांट हम लोग जानते हैं कि एक प्लांट है जो इसका मेडिसिनल यूज होता है तुलसी प्लांट का और इस इसका मेडिसिनल यूज क्यों करते हैं हम लोग इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है फ्लोनाइल और फ्लूनाइड्स होते हैं फिनॉल और फ्लूनाइड्स इसकी वजह से अगर हम देखें तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तुलसी में जिसकी वजह से हम लोग इसका मेडिसिनल यूज करते हैं ये मेडिसिनल यूज में आता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एट का सी आंसर करेक्ट होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट रिटर्न बाय द टीचर्स वर्ड तो आपको ये पता होगा कि जो जो वर्ड्स जो जो अल्फाबेट्स इसमें होंगे उन्हीं अल्फाबेट्स से ही वर्ड्स बनाए जा सकते हैं और इसमें जो अल्फाबेट नहीं होगा उससे बनने वाला वर्ड यहां से नहीं बन सकता ठीक है तो आप ये देखो कि टी ई ए सी एच ई आर इसके अलावा कोई भी अल्फाबेट अगर किसी वर्ड में है तो वो वर्ड इस ग्रुप से नहीं बन सकता और इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सी एच ए आई आर और देखो इसमें कहीं पर भी आई नहीं है और आई ना होने की वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी चेयर जो है वो इससे नहीं बन सकता तो नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन इसमें क्वेश्चन नंबर टेन अगर आप देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इज द द ऑफ इन द इंडिया यानी इंडिया में हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन कौन से रीजन है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने जितने लोगों को पढ़ा, मैंने जब क्लास लिया था तो मैंने भी बताया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो रीजन है वो इंडिया में चार एरियाज में जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो रीजन है वो कौन सा है वेस्टर्न घाट का ये जो रीजन है ईस्टर्न हिमालय ठीक है और इधर अंडमान निकोबार में निकोबार का जो रीजन है सुंदरलैंड का जो रीजन है ये तो वेस्टर्न घाट जो है वो इसका हॉट स्पॉट अरावली नहीं होगा वेस्टर्न घाट इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्टर्न घाट भी नहीं इंडो गेंजेटिक प्लेन नहीं तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन ओके क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर बी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड द अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आए हैं यूपी में इस बार जो कि हिस्ट्री से हैं और इसमें बहुत ही क्लोज फैक्ट्स दिए गए हैं बहुत ही क्लोज फैक्ट्स हैं इस वजह से ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं जैसे आप देखो कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ द गदर पार्टी फिर इस्टैब्लिशमेंट ऑफ़ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बाय द गोपाल कृष्ण गोखले पब्लिकेशन ऑफ द हिक्कीज बेंगॉल गैजेट इस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बेंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स ठीक है तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले एटीन सेवेंटी के आसपास में ये पब्लिक किया पब्लिश किया गया था हिक्कीज़ बेंगाल गैजेट ठीक है फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बेंगाल एशियाटिक सोसाइटी इसके चार साल बाद में और फिर इसके बाद में हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और सबसे लास्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गदर पार्टी 1913 में तो अगर आप इसका सीक्वेंस देखो तो थ्री फोर टू एंड वन तो थ्री फोर टू एंड वन इज द किस किसमें है बी में तो बी हमारा इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेर इन इंडिया द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बींग बिल्ट यानी भारत में कौन सा ऐसा शहर है जहां पे रबर रबर का जो टायर होगा उस पर जो मेट्रो चलेगी यानी रबर जो मेट्रो का टायर होगा या जो व्हील होगी वो रबर बेस्ड टायर पर डिपेंड होगी वो इंडिया में कहां पे तो अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तो नासिक में ये शुरू किया जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा नाशिक. नासिक नासिक इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन द चीफ सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट इस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का जो मेन सोर्स है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है आप लोगों ने एन्वायरमेंट पॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि जो मेन सोर्स होता जो है जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं या जहाँ पे ऑयल या पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है या जहाँ पे उन्हें प्रोसेस्ड किया जाता है वो जो रीजन होता है या वो जो एरिया होता है वो मेन सोर्स होता है किसका हाइड्रोजन सल्फाइड का तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मेन सोर्स जो होता है वो ऑयल रिफाइनरीज यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर क्या होगा सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ठीक है लॉन्चिंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नाइनटीन ठीक है रिकमेंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएशन ऑफ द की विलेज स्कीम सेटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी डीआरडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल तो ये अगर आप देखो तो ये सिक्वेंस में भी है यानी शुरू से अगर आप देखो तो सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया फिर उसके बाद में सेकेंड uh, इसको लॉन्च किया गया फिर इसको फिर इसको तो यानी इनका जो सीक्वेंस है वो ए होगा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वन टू थ्री एंड फोर यानी इसका ये क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस में ही अरेंज किए गए हैं सबसे पहले अगर आप देखोगे आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी जब नई गवर्नमेंट बनी थी नाइनटीन में तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहले शुरुआत किया शुरू किया गया था तो ये फोर्टीन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मिजोरम के पास में करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मिजोरम क्वेश्चन नंबर विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड द कॉमर्स बिल टू ट्वेंटी ट्वेंटी अब यह आपने देखा कि यह जो फार्मर्स प्रोड्यूस और ट्रेड कॉमर्स बिल है जिसको अभी गवर्नमेंट uh, ने वापस ले लिया इसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसको नहीं यूज किया गया है इसमें किसका वर्ड कौन सा वर्ड नहीं यूज है इसेंशियल कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ए ठीक है तो आपने देखा होगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी जिक्र किया गया है एमएसपी को लेकर ही बवाल किया जा रहा है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो कमिटी है ये इसी के अंतर्गत आती है इसमें मेनली इसशियल कमोडिटी का, इस का यूज़ नहीं किया गया इसके लिए एक अलग है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट अलग से है तो उसमें इसका यूज़ किया गया इसमें फॉर्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स में इसका यूज़ नहीं किया गया है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक अलग से एक्ट तीन एक्ट थे उनमें से इसका एक अलग से एक्ट था तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नाउ क्वेश्चन एज पर देंसस टू थाउजेंड इलेवन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट अ मिलियन सिटी यानी इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसमें जो मिलियन सिटी नहीं है ठीक है आगरा प्रयागराज मेरठ एंड मुरादाबाद तो आगरा भी है प्रयागराज भी है मेरठ भी है मुरादाबाद इज़ नॉट इन द मिलियन सिटीज मिलियन सिटी मीन्स इसकी पॉपुलेशन टेन लाख से कम है और सभी की पॉपुलेशन टेन लाख से ज़्यादा है तो मिलियन सिटी में मुरादाबाद नहीं है बाकी तीनों जो है वो मिलियन सिटीज़ में हैं शामिल हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी क्वेश्चन नंबर एटीन अगर आप देखो तो प्रिंसिपल यानी प्रियम्बल से लगातार क्वेश्चन आते हैं In the preamble of the Indian Constitution, which justice is provided to all its citizens, social, religion, and the political. सोशल इकोनॉमिक एंड द कल्चरल सोशल पॉलिटिकल एंड द कल्चरल सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल अगर आप पीयम्बल पढ़े हो तो वहां से आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर जब पीम्बल पढ़ते हो तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है और प्रियम्बल में एज इट इज ऐसे ही लिखा गया है कि सोशल इकोनॉमिकल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस और यह क्वेश्चन रिपीटेड है यूपीएससी यूपीपीसीएस UP ने कई बार पूछा हुआ है अपर में भी पूछा अपर पी में पूछा है और यहाँ पर रिपीट किया क्वेश्चन ठीक है तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा डी सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस ठीक है एक कई बार फ्रीडम ठीक है justice, कौन, कौन से की बात की तो ये आपको ध्यान रखना रिलीजन जो है स्वतंत्रता में है सिटीजन जस्टिस में नहीं है तो ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ऑप्शन रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू क्रॉप रोडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है क्रॉप रोडेशन का मतलब होता है कि एक सेम टाइप की क्रॉप को बार बार नहीं आप उसे, आ, फसल, उस फसल यानी उस फील्ड में उगा हो उस खेत में आपको क्रॉप चेंज करनी चाहिए क्रॉप का नेचर चेंज करना चाहिए क्रॉप के जो बिहेवियर होता है उसको आपको देखना हो उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए डीप रूटेड क्रॉप शुड भी फ्लोड फॉलोड बाई द सेम टाइप ऑफ द क्रॉप अगर आप सेम टाइप की क्रॉप को फॉलो कर रहे हो तो आपने क्रॉप रोटेशन किया ही नहीं तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट लेग्यूम मस्ट भी फॉलोड बाय द नॉन लेग्यूम यानी पहले आपने एक बार लेग्यूम क्रॉप किया उसके बाद में नॉन लेग्यूम तो यह क्रॉप रोटेशन का पार्ट होगा तो सेकेंड वन इज द करेक्ट फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर नाइनटीन का बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉलोइंग इंडियन प्रेजिडेंट ऑल्सो सर्व एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इनमें से कौन से लोकसभा के स्पीकर भी थे फकरुद्दीन अली अहमद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर जाकिर हुसैन नीलम संजीव रेड्डी तो आपको यह पता होना चाहिए नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमारे जो कि लोकसभा स्पीकर भी हुआ करते थे तो नीलम संजीव रेड्डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाउ क्वेश्चन नंबर नाइजर क्रॉप क्रॉप इज इज अ ऑयल ऑयल सीड सीड द द ऑफ इन तो इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है थर्टी सेवन टू फोर्टी सेवन परसेंट डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थर्टी सेवन टू फोर्टी सेवन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग यूनियन टेरीटरी इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज़ पर सेंसस यानी इनमें से किस यूनियन टेरीटरी के पास में सेक्स रेशियो में सबसे कम है चंडीगढ़ दमन एंड द्वीप अंडमान एंड निकोबार आईलैंड एंड लक्षद्वीप तो लोएस्ट सेक्स रेशियो में जो यूटी है वो है हमारी दमन एंड द्वीप दमन अंदीप के पास में सेक्स रेशियो लोवेस्ट है 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 23 थ्री विच रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर

यानी बहुत से स्टेटमेंट्स क्या आए हैं करेक्ट हैं हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो है कहाँ पर इसके एविडेंसेस मिले ये सारी चीज़ें अभी हम लोग वो पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि हमें वन फोटी क्वेश्चन कम्प्लीट करने हैं तो लेकिन आपको यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आगे की स्ट्रेटजी को फॉर्म करना है तो क्वेश्चन नंबर सी का बोथ वन एंड सिक्स आंसर होगा इसका ठीक है वन एंड टू बोथ आंसर बोथ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दिक्कस पॉइंट द सिक्स पॉइंट फॉर्मूला प्रपोज फॉर इंडिया प्रपोज प्रपोजल ऑफ इंडिया फॉर साउथ एशियन रीजन वॉज प्रेजेंटेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर सिक्स पॉइंट फॉर्मूला ठीक है अगर आप देखो तो ये किसके थ्रू किया गया तो आपने पहले पढ़ा होगा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी ठीक है uh, एक्ट एस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने सबसे पहले यानी जो सिक्स पॉइंट फार्मूला है इन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए बोला था तो इट इज़ द फॉर्मूला विच वॉज प्रोपोज बाय द मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ही इज द प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इनका ट्वेंटी का करेक्ट आंसर क्या होगा सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये रीजनिंग क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड ट्रेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स यानी इसमें कौन कौन से uh, square, कितने स्क्वायर और कितने ट्रेंगल्स हैं ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इसमें थ्री स्क्वायर्स हैं और एटीन ट्रेंगल्स हैं यानी देर आर थ्री स्क्वायर्स एंड एटीन ट्रेंगल्स द डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव next question, question number 26. question number 26. with reference to the indian civil services, which of the following statement is correct? civil services Se related in mese konsa statement correct. Hai? government of indian act 1919 provided for the separate examination for indian civil services, which was be held in 19, in india. स्टेटमेंट नंबर टू इन द इंडियन सिविल सर्विसज इन नाइनटीन फोर्टी वन द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वॉज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस ठीक है तो ये आप देखो कि क्वेश्चन नंबर इसमें जो ट्वेंटी सिक्स है इसमें दोनों स्टेटमेंट ही हमारे गलत है यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी प्लिटी का क्वेश्चन है आप लोग देखो यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तमरिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया दमरिया ट्राइब जो है बिलोंग करती है हमारे झारखंड से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का सही आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एज पर द एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड फॉर फिफ्टीन टू से थर्टीन के थर्टी के बीच में इंडिया इंडेक्स एंड द डैशबोर्ड ट्वेंटी 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 वन पब्लिश बाय द नीति आयोग ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट अमंग द टॉप टेन स्टेट इन द परफॉर्मेंस रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो टॉप टेन में नहीं है पंजाब सिक्किम उत्तराखंड एंड गोवा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पंजाब नहीं है बाकी सिक्किम उत्तराखंड एंड गोवा ये सही आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं पंजाब टॉप टेन में नहीं है तो पंजाब इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन

का इसमें अगर आप देखो तो नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जिसका मोस्टली जो एनर्जी है वो कहां से हाइड्रो एनर्जी से जनरेट की जाती है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हाइड्रो पावर होती है तो 99 परसेंट के आसपास में जो नॉर्वे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 29 सी नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड यानी विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर फिश का प्रोडक्शन ज्यादा होता है जापान चाइन, चा, चाइना रशिया एंड यूएसए यूएसए चाइना इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चाइना सबसे ज्यादा फिशेज का प्रोडक्शन करती है वर्ल्ड लेवल पे तो चाइना इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द नेशनल इनकम इन द इंडिया सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द ट्रेड सेक्टर यानी सबसे ज़्यादा इनकम जो होती है हमारे देश में वो कहाँ से, तो हो से, से. से होती है से. तो आप सभी लोग जानते हो कि मैक्सिमम इनकम जो होती है हमें वो कहाँ से होती है सर्विस सेक्टर से यानी कहाँ से होती है सर्विस सेक्टर से तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर्विस सेक्टर आप पढ़े हो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सब सर्विस सेक्टर का है और अगर लोगों का एंगेजमेंट देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में होता है तो सबसे ज़्यादा इंगेज लोग जहाँ पर हैं वो एग्रीकल्चर है लेकिन जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है सर्विस सेक्टर का तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा सर्विस सेक्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द ब्लैक पॉटरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द उत्तर प्रदेश नजीबाबाद खुर्जा निजमाबाद एंड कासगंज तो आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि जो निजामाबाद है ये उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ठीक है और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये और इसी को अभी ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग दिया गया था तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो निजामाबाद सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन धूपगढ़ पीक धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क तो धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में लोकेटेड है ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर सतपुड़ा नेशनल पार्क में लोकेटेड है तो थर्टी थ्री ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इन सीक्रेट कोट मैसेज होटल इज कोडेड एज 300 what will be the code for bore b is the correct answer 160 is the correct answer of this question take a question number 34 b is the correct answer 160 okay question number 35 which of the following state of india reported lowest percentage of the urban population as 2011 census कौन सा स्टेट है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ए हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है तो ए इज द हिमाचल प्रदेश जो है उसका करेक्ट आंसर होगा थर्टी फाइव ए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डॉक्टर सी रंगराजन डॉक्टर आई जी पटेल डॉक्टर डी सुबा एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी इनको अगर आप देखो तो इनका सिक्वेंस में इनको अरेंज करना है कि इनमें सबसे पहले कौन हुआ फिर उसके बाद में कौन हुआ और फिर उसके बाद में कौन हुआ तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी यानी सबसे पहले आई जी पटेल आई जी पटेल के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह के बाद में फिर आप देखोगे तो सी रंगराजन और फिर उसके बाद में डी सुब्बाराओ ठीक तो इनका सिक्वेंस ये है एक सेकेंड फोर्थ वन एंड थर्ड बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर 36 का बी होगा क्वेश्चन नंबर 37, सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच ऑफ द कंट्रीज़ इज इज सिग्नेटरी टू द अब्राहम अकॉर्ड अब्राहम अकॉर्ड अभी अपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कौन सी कौन सी कंट्री है जो कि अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया है ओके okay. तो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने वाली जो कंट्रीज हैं इजराइल यू एंड बहरीन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवेन विलो वन साइड इसमें सॉइल दिया गया है और दूसरी साइड वहाँ पे आपको स्टेट दिया गया है एलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल रेड सॉइल डेजर्ट सॉइल तो सबसे पहले डेजर्ट सॉइल को राजस्थान से यानी डी का वन से एलुवियल सॉइल उत्तर प्रदेश से ठीक है ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र से और रेड सॉइल आंध्र प्रदेश से ये इसका करेक्ट मैच होगा और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ठीक है करेक्ट आंसर इज द बी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ईमेल रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल सही है डब्ल्यू 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 रिफर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब ये भी सही है सीपीयू रिफर्स टू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ये नहीं होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ठीक है तो सीपीयू uh, का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है तो सी इज नॉट करेक्ट सीपीयू जो है वो नहीं करेक्ट है कंट्रोल नहीं होकर के यहां पर क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सीपीयू इसका गलत है एएल यू भी सही है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी साइक्लोन टॉक्ते वॉज फॉर्मड इन विच ओशन जो साइक्लोन तोकते हैं, ये किस ओशन में आया था तो आपको पता होगा ये गुजरात साइड में यानी इंडियन ओशन अरेबियन ओशन या अरेबियन सी के साइड में आया हुआ था तो अरेबियन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी का डी जो है वो करेक्ट होगा नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन Question number 41. Which of the following is not correctly matched? Primary energy, tidal power, commercial energy, oil and gas, non-commercial energy, animal dung, non-convectional energy, सोलर uh, एनर्जी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो आप सोचो कि यूपी में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए इस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं यूपी में तो एक अच्छा स्टैंडर्ड हो रहा है यानी पेपर सेट जो हो रहा है वो अच्छा पेपर सेट हो रहा है प्राइमरी एनर्जी वो एनर्जी होती है जो डायरेक्ट एनर्जी जहाँ से किसी अल्टरनेटिव uh, या किसी भी तरीके के प्रोसेसिंग नहीं किया जाता है जैसे कोल है उसमें एनर्जी कंसिस्टेड है ठीक है ऑयल है उसमें आप देखोगे निकालोगे उसमें ऑयल तो टाइडल पावर जो होती है ये प्राइमरी एनर्जी नहीं होगी तो करेक्ट आंसर जो होगा यही मैच नहीं है प्राइमरी एनर्जी बाकी सारे मैच नहीं कॉमर्शियल एनर्जी ऑल एंड गैस नॉन कॉमर्शियल एनर्जी एनिमल डंग ये भी सही है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोनल सोलर एनर्जी ये भी सही है प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर नहीं होगा प्राइमरी प्राइमरी एनर्जी टाइडल पावर नहीं होगा तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा फोर्टी का क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ट्रेडिशनल फोक ड्रामा बांट पाथर रिलेटेड टू विच ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी इट इज रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग जे आर सिक्स आर वी थ्री ए के फाइव एंड डी जी टू ये जो है हमारा फोर्टी थ्री uh, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रीजनिंग से रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द इको सिस्टम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ओशन लेक्स ग्रासलैंड एंड द मैंग्रोव्स मैंग्रोव ओशन ग्रासलैंड एंड द लेक्स मैंग्रोव ग्रासलैंड, लेक्स एंड द ओशन ओशन मैंग्रोव्स लेक्स एंड द ग्रासलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैग्रोव्स में फिर ग्रासलैंड में फिर लेक्स में और फिर ओशन में ओशन में आप देखोगे ओशन में जो सनलाइट होता है उसका पेनीट्रेशन एक लिमिट तक होता है फोर्टिक जोन बहुत कम होता है इसलिए ओशन की प्रोडक्टिविटी इक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे कम होती है यहां पे कंफ्यूज होता है आदमी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट की होती है मार्शेस की होती है ठीक है बुश लैंड मार्शेस जो रीजन होते हैं वहां की होती है होता होता है है हो गया रेन फॉरेस्ट रीजन होता है। और मैंग्रोव्स जो है ये एक इकोटोन जोन होता है इसलिए यहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मैंग्रोव्स ग्रास लैंड लेक्स एंड द ओशन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑफ द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी इनमें आपको देखना है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन है जिसमें पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है तो आर्टिकल 253 फिफ्टी थ्री इज रिलेटेड टू दिस तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा डी इज द करेक्ट आंसर अनुच्छेद दो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विद रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश स्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट देखो यूपी स्पेशल से बहुत क्वेश्चन आए हैं इस बार ठीक है लगभग 19-20 क्वेश्चन यूपीएससी से आए हैं यूपी स्पेशल से आए हैं द टेंपल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फिफ्थ सेंचुरी एडी टू द दिक्कत सेंचुरी एडी it was uh, it is the one of the oldest brick temple of the india both statements are correct तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 46 का. c is the correct answer of this question both statements are correct c is the correct answer question number 47 who among the following visitors to india did not belongs to the portuguese country yani mein mein se kaun sa portugal se related nahi tha yani kaun sa visitor hai jo portuguese nahi tha ठीक है तो करेक्ट आंसर इज पीटर मुंडी पीटर मुंडी जो है वो पोर्टुगीज नहीं था तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट हुट द बनारस रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स यानी जो बनारस रेबेलियन हुआ उसमें ब्रिटिशर्स के अगेन किसने लीड किया था तो राजा चेत सिंह राजा चेत सिंह इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर राजा चेत सिंह Question number 49 Which of the following pairs is not correctly matched? रबर कॉफ़ी ओलिब एंड शुगर केन यानी कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है रबर थाईलैंड कॉफी मंगोलिया कॉफी मंगोलिया नहीं बल्कि कॉफ़ी कहाँ पे है ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ओलिव, स्पेन करेक्ट है मेडिटेनियन मेडिटेनियन क्लाइमेटिक जोन में पाया जाता है शुगर केन ब्राज़ील करेक्ट आंसर इज द बी बी इज नॉट करेक्टली मैच सो करेक्ट आंसर इज द बी बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाई जो वाटर पॉल्यूशन होता है इसको हमेशा उस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन से मेजर किया जाता है डी आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो क्लोरीन डिजोल्व नहीं ऑक्सीजन डिजोल्व से आप लोग बीओडी वगैरह पढ़ते होंगे ठीक है तो ऑक्सीजन डिजोल्व जितना होता है उस पर मेजर किया जाता है वाटर के पॉल्यूशन को क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी मिताली एक्सप्रेस Mitali Express runs between uh, which two cities? Two cities are Dhaka and New Jalpaiguri. Dhaka and New Jalpaiguri Jalpai is the correct answer. Question number 52 A pan India campaign, Ek Pahal, launched on September 17, 2021, was related to justice delivery at the doorstep, vaccination, Swachh Bharat, uh, Swasth Bharat. यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी तो यह जो है वह है जस्टिस मिनिस्ट्री के थ्रू यानी जो हमारी जस्टिस मिनिस्ट्री उसके थ्रू लॉन्च किया गया था जस्टिस डिलीवरी एट द डोर स्टेप तो एक पहल जो है वो किससे रिलेटेड है जस्टिस डिलीवरी एट द डोर स्टेप ए आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट यानी जो टू आइडेंटिकल बल्बस होते हैं उनको अगर कनेक्ट किया जाए जिससे मैक्सिमम लाइट मिले तो उनमें कौन कौन से होंगे पहला बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज बोथ आर कनेक्टेड इन द पैल सीरीज फिर उसके बाद में आपको करना है इन केस वन इज मोर इन केस टू इन मोर तो जब अगर इनको पैलल कनेक्ट किया जाएगा तो ऐसे में जो लाइट है वो ज्यादा मिलेगी तो आप लोग इसको फिजिक्स में एक सिंपल प्रिंसिपल पे है ठीक है जिसमें कनेक्शन यानी पैलल और सीरीज में कनेक्ट होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड अर्ली मेडिवल सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड प्रेजेंट स्टेटस यानी अर्ली जो मेडवल सिटीज थे और आज की कंडीशन फर्स्ट इज द कोइल महोत्सव नगर महोदय एंड जयजक भूखी ठीक है इनमें से कौन से करेक्टली मैस्ड नहीं है ठीक है तो इसका जो करेक्ट मैच नहीं है वो डी है जेजाक जो है वो कौशाम्बी नहीं है तो इसका डी आंसर होगा 54 का डी क्वेश्चन नंबर 55 फाइव इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर द ट्यूबवेल इरीगेशन इज द हाइएस्ट ट्यूबवेल इरीगेशन में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है एरिया तो उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल इरीगेशन सबसे ज्यादा होता है तो इसका होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा 55 का ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स डेविंस प्लस एंड द वेरिटर्स टू न्यू मिशन ऑफ द अनाउंस बाय द नासा रिलेटेड टू द वीनस यानी ये किससे रिलेटेड है वीनस से रिलेटेड है इन दोनों को वीनस के लिए छोड़ा गया है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बी 57 सेवन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द संगम योजना संगम योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है

अवार्डेड एज द बेस्ट ट्रेनिंग स्टेट फॉर वन धन योजना बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगस्त ट्वेंटी ये अवार्ड मिला है तो ऐसे में इसका जो करेक्ट आंसर होगा नागालैंड नागालैंड को पूरे अवार्ड में सेवन अवार्ड्स दिए गए हैं ठीक है तो सेवन अवार्ड्स दिए गए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नागालैंड वन धन योजना में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन मैच द लिस्ट वन विद टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्ट गिवेन बिलो फाइव ईयर प्लान अपलाइड ग्रोथ मॉडल यानी किसका ग्रोथ मॉडल इसमें अपलाई किया गया था फिफ्टी नाइन में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एस सी चक्रवर्ती मॉडल इनको आपको मैच कराना है कि, कि किसके किसके साथ में मैचिंग है ठीक है तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी यानी फर्स्ट जो है वो हरार डोमर मॉडल पे था और सेकेंड जो है वो अगर आप देखो तो मॉहल नोविस मॉडल पे था थर्ड जो है वो एस चक्रवर्ती मॉडल पे था और फोर्थ जो है वो अशोक रुद्रा मॉडल पे था ये इसका करेक्ट मैच होगा बी इज द करेक्ट मैच ऑफ क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एंपायर इलतुतमिश नशीरुद्दीन मोहम्मद बलबन अलाउद्दीन खिलजी तो इसके लिए होगा जो पर्टिकुलरली अगर बाउंड्रीज के लिए तो बलबन ने जो है रिक्रूट किया था अपॉइंट किया था जो बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेंगी तो बलबन ने जैसे अभी हमारे पास में बीएसएफ है उसी टाइप के कुछ बलबन ने किया था तो ये बलबन ने किया था क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आईलैंड यानी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के पास में माइक्रोनेशिया पोलिनेशिया इनमें से कौन सा है जो कि पोलिनेशिया का पार्ट नहीं है ठीक तो टोंगा है तुआलू है है जो है वो टीनियम नहीं है यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 61 का डी 62 टू विच ऑफ द फॉलोइंग इटेबल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द ऑल एसेंशियल एमिनोसिड्स यानी इनमें से कौन सा ऐसा एटेबल है जो कि बेस्ट सोर्स होता है सभी एसिड्स का तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी एक्स ठीक है एक्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका फिशेज में एक ही फिश है जिसमें ये पाया जाता है तो ऐसे में हम लोग उसको नहीं कर सकते फिशेस में एक फिश है जिसमें सभी एमिनोसिट्स पाए जाते हैं बाकी एक्स जो है ये एग जो है ये बेस्ट सोर्स होता है तो सिक्सटी का सी है इसमें एम्बिगटी है कुछ सोर्सेज में आपको एग फिशेज बताए जाएंगे कुछ जगहों पर एक्स बट एक्स इज अ मोस्ट सुटेबल आंसर अब कमीशन क्या करता है क्या देगा ये हम लोग देखेंगे यहां पे कमीशन दोनों में से किसके साथ में जाता है तो uh, देखें हम लोग फिश भी हो सकता है uh, लेकिन फिश तो एक ही फिश होती है जिसमें सभी सोर्स एमिनोसिट्स होते हैं और एग जो होता है इसमें मोस्टली होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री गिवन विलो द टू स्टेटमेंट वन लेवल एज एंड इज अ रीजन दादा भाई नेरोजी <laughs> क्या है स्टेटमेंट ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस ऑन द इंडियन क्वेश्चन रीजन इज ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन चूज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ठीक है विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखो यहां पे स्टेटमेंट चेंज कर दिया सॉरी ऑप्शन चेंज कर दिया यूपीएससी ने बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रीजन जो है वो के का एक्सप्लेन भी कर रहा है तो सी इज द आंसर अक्सर ये वाला जो ऑप्शन होता है ये ए में होता है ये वाला ऑप्शन ए में होता है इसका जो आंसर होगा वो सी होगा ठीक है अगर ये पुराने तरीके से क्वेश्चन होता है तो यही ऑप्शन ए में होता है ठीक है लेकिन ऑप्शन में चेंज कर दिया इस बार क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल्स अपीयर सेम वैन लुक्ड इन एट इन द मेर ये सी सैट का रिश्ता जो रिपीटेड क्वेश्चन है सी सैट में भी क्वेश्चन आया था इस बार यूपी पी सी एस में तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नाइन होगा नाइन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

मंडारिन चाइना बाशा ये जो है ये मैंडारिन uh, तो चाइना की लैंग्वेज है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है डेनिश जो है डेनमार्क में बोली जाती है डच जो है ये नीदरलैंड जिसको हम लोग पहले डच बोलते थे वहाँ पे ये भी करेक्ट है मैंडारि भी करेक्ट है भाषा जो है वो थाईलैंड में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में होती है तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा ये मैच नहीं है भाषा इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंडोनेशिया नॉट द थाईलैंड तो 66 का सही आंसर होगा डी 67 which one of the following statement is not correct human ear becomes more sensitive at the 1000 hertz human eye become more sensitive for the red color persistence of the hearing is 1 upon 10 second the persistence of vision of, of 1 upon 16 second कौन सा करेक्ट नहीं है ह्यूमन आई बिकम मोर सेंसिटिव फॉर द रेड कलर ऐसा कुछ नहीं है बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इसमें जो मिसिंग नंबर है सिक्सटी एट में वो क्या होगी मिसिंग नंबर फोर फाइव सिक्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी सिक्स जो है इसका मिसिंग नंबर होगी तो सिक्स जो है मिसिंग नंबर तो करेक्ट आंसर क्या है डी दी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट नॉट लोकेटेड ऑन रिवर साइड यानी इनमें से कौन सा स्टील प्लांट है जो कि रिवर साइड में नहीं लोकेटेड है भिलाई बोकारो जमशेदपुर और भद्रावती तो बोकारो जमशेदपुर और भद्रावती ये लोकेटेड है भिलाई नहीं लोकेटेड है इसका करेक्ट आंसर होगा भिलाई क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ब्रेंट इंडेक्स ब्रेंट इंडेक्स का जो रिलेशन होता है वो क्रूड ऑयल से होता है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

आगरा प्रेसिडेंसी, यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कब इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया तो इसका 1833 एक्ट एडी में इसको किया करेक्ट आंसर तो 72 का 1833 क्वेश्चन नंबर 73 व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट पॉपुलर पोयम फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म ठीक है इसमें आपको ये मनोरंजन रंजन राजन, राजन प्रसाद क्वेश्चन नंबर द करेक्ट आंसर इज मनोरंजन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मनोरंजन क्वेश्चन नंबर मैच द द लिस्ट लिस्ट विद फ्रूट्स एक साइड में और उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसको आपको देखना है तो मैंगो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगो लीची का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बिहार है कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केरला है और जम्मू कश्मीर एप्पल का है तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैच कर लेना है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर का करेक्ट आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर करेक्ट आंसर इज सी सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एसेसिनेशन ऑफ द करजन वैली एक्जीक्यूशन ऑफ द खुदी रॉम बोस स्टार्टिंग ऑफ द केसरी न्यूज पेपर बाल गंगाधर तिलक एंड स्टार्टिंग ऑफ द अल हिलाल न्यूज पेपर बाय द अब्दुल अब्बुल इनको आपको सिक्वेंसियल ऑर्डर में अरेन्ज करना है ये इनको इस टाइप का क्वेश्चन हिस्ट्री से बहुत पूछे हैं इस बार यूपीएस यूपीपीएसएस में तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है थर्ड सेकेंड वन एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बुनोई तिमोलेस्ते मलेशिया पापुआ निगुनी द करेक्ट आंसर ये मैपिंग का क्वेश्चन है बुनोई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स बुरनोई क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यू डेली इट इज सिचुएटेड इन द न्यू डेली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द पेशेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ गूटी इन प्लांट्स इज यूज फॉर द विच पर्पज जो गूटी का प्रैक्टिस होती है वो किस परपज से किया जाता है फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए एनसीआरटी से क्वेश्चन आई है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से के लिए किया जाता है गूटी प्रैक्टिस तो एनसीआरटी में यह लिखा हुआ है साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है वहीं से क्वेश्चन पिक किया गया है ठीक तो एनसीआरटी वगैरह से नए क्वेश्चन बने हैं इस बार तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्वेल्व हृदय सिटीज चूज एन फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज सिटीज ठीक है तो ये हमारा हृदय से कौन सा सिटी इसमें नहीं है आगरा को नहीं शामिल किया गया इसमें गयापुरी और वारंगल इनको शामिल किया गया आगरा इसका पार्ट नहीं है ठीक है तो हृदय स्कीम में आगरा नहीं है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर एटी द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स

ठीक है काशी लालिमा किसकी वेराइटी है तो ये बेसिकली लेडी फिंगर यानी जो भिंडी होती है उसकी वेरायटी होती है तो काशी लालिमा इज द वरायटी ऑफ द लेडी फिंगर इन इंडिया बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट अप टू वन करोड़ एंड द टर्न ओवर अप टू फाइव करोड़ आर नोन एज द दिन स्मॉल इंटरप्राइज माइक्रो इंटरप्राइज एंड मीडियम इंटरप्राइज आपने देखा होगा कि इसकी डेफिनेशन जो है वो फिर से डिफाइन किया गया है तो यहां से क्वेश्चन पूछा इन्होंने तो माइक्रो एंटरप्राइज के जो डेफिनेशन है वो यही है तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 82